सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर छोड़ते जाइए, मैं एक करके आपको कॉल करूंगा, या आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सवाल आपके नंबर पे कॉल करके आपको साथ के साथ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास पहले से बहुत सारे नंबर आए हुए हैं, हम एक एक करके उन सब बच्चों को कॉल करते हैं और जानते हैं समाज में आज क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो हमारे भाई बहन अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं उनको क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं आज स्टडी वीज़ा से रिलेटेड। आपका कोई भी मसला है ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाने से संबंधित, मेरे पास इतनी नॉलेज है, इतना तजर्बा है कि मैं आपके सवाल के हर किसी सवाल के जवाब दे सकता हूँ। जो मेरा तजर्बा है वो ज़्यादातर तजर्बा उन बच्चों के लिए है जो अक्सर वीज़ा रिफ्यूज़ करा बैठते हैं। यदि आपने भी 2-4-5 बार वीज़ा रिफ्यूज़ करा लिया है, आपको नहीं समझ लग रही, आपके पैसे डूब रहे हैं, या आपकी कोई समस्या ऐसी है कि आपको जिसका हल नहीं मिल रहा, मैं आपको उसका हल ज़रूर दे दूंगा। मैं सिर्फ आपकी मुसीबतें ही नहीं सुनूंगा, मैं आपको हल बताऊंगा, हल क्या है, कामयाब कैसे हो सकते हैं। हज़ारों लोगों ने आज तक हमारी सर्विसेज लिए हैं और अपने सपने साकार करे हैं। जब भी कोई हमें हमारे सामने अपनी मुसीबत रखता है, अपनी समस्या रखता है, वो हमारे लिए एक नया लेसन होता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, मैं और मेरे टीम के पास जितना तजर्बा है, ऊपर वाले से डर के कहता हूँ, हम किसी को भी भेज सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं दुनिया के अंदर जिसका हल ना हो। आपका मसला क्या है? इंग्लिश का मसला है, आपके पास पढ़ाई में कम नंबर हैं, गैप पड़ चुका है 10-15-20 साल का, सेटल होना है, बीवी बच्चों को साथ लेके जाना है, 2-4-5 बार वीज़ा अप्लाई कर लिया, नहीं दे रहे आपको वीज़ा, कैसे जाएंगे? इस बिजनेस में जितना भी ए से जेड तक धंधा होता है, कैसे लोग आपसे पैसे लेते हैं, कैसे आपके नकली कागज बनते हैं, कैसे आपको लूटा जाता है, जो भी आपकी समस्या है, मैं सारी चीज़ों को पिछले 15-16 साल में देख रहा हूँ, तो अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी समस्या नहीं मुझे नज़र आई जिसका मैंने हल ना दिया हो। तो आइए एक एक करके कॉल करते हैं, समझते हैं कि आज के स्टूडेंट क्या जानना चाहते हैं। पहला कॉल करते हैं साहब को, देखते हैं क्या करते हैं, आपके सामने कॉल करूँगा, देखते हैं क्या जानना चाहते हैं। फोन नहीं उठा रहे अभी, कोई बात नहीं, कहीं बिजी हो सकता है। अगर आप भी स्टूडेंट हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं साथ के साथ आपके कमेंट पढ़ के उसका जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। एक भाई साहब जानना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के स्टूडेंट को भी डील करते हैं। देखिए, हमारा ज़्यादातर जोर होता है कि बच्चों को, जो बच्चे भारत में हैं उनको गाइड किया जाए, बट अगर आप पाकिस्तान से हैं आप क्वेरी लिख सकते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, या अपना नंबर दे दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके आपको बता देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। जो भी बच्चे भारत से हैं, आप इंडियन नेशनल के हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। आप और किसी नेशनल से हैं, आप अपना नंबर हमें व्हाट्सएप का छोड़ दें, हमारी टीम आपसे रब्ता रखेगी और आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो लोग यूएई में रहते हैं उनको आइल्स नहीं चाहिए, बिना आइल्स के अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके जो जो आपके सवाल हैं, जिनके नंबर नहीं लग रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनको सारी क्वेरी सबके सामने बता दी जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना मसला, मैं उसको साथ के साथ पढ़ के आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा।
कॉल लगाते हैं, देखते हैं साहब क्या जानना चाहते हैं। मनदीप जी लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लस टू में कितने नंबर चाहिए? 40% नंबर भी हैं मनदीप, यू आर एलिजिबल। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, ये कमर्शियल बिजनेस है, ये कारोबार है। आपके 40% नंबर भी हैं मनदीप तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आप जानकारी के लिए चंडीगढ़ ऑफिस आके मिल लो मुझे, परसों दो दिन मैं वहीं पे रुकूंगा, कल मैं जलंधर होऊंगा, परसों मैं सारा दिन चंडीगढ़ ऑफिस में होऊंगा, आप आके जानकारी ले सकते हैं। तो जो भाई बहन अभी लाइव हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं। ये हरदीप कौर जी का नंबर आया, इनसे बात करके देखते हैं ये क्या जानना चाहते हैं। तो कई बार लोग नंबर छोड़ देते हैं, फिर काम धंधे में बंदा बिजी हो जाता है। हरदीप जी का नंबर है, पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया आपके 50 नंबर पीटी में होने चाहिए, बाकी का काम हमारा है सारा। आहूजा जी लिखते हैं, मेरे बेटे का 2 टाइम रिजेक्शन लग गया। हाँ जी हरदीप जी, सत श्रीकाल, की जानना चाहते हो मैडम? विनय बोल रहे हैं जी। हाँ जी सत श्रीकाल सर, की जानना चाहते हो मैडम? सर मैं अपने बेटे लिए तुम पूछना सीखा हूँ कि बेटे ने मेरे ना आईज की थी, ये सर अभी ना स्किन विच 6x1.14 फाइल है सर। हाँ जी, कितने पे देना तुसी ओनू? ओदी सर फाइल कनाडा दी लग सकदी है सर? लग तो सकती है मैडम, रिफ्यूजल आ जानी है, क्योंकि जेडी 6 ई चलियां फाइलें ना उनका वीजा 100% आ जाता है। अच्छा जी, जे तुसी आईएलएस दे विच दिक्कत है तुहानू नहीं हुंदा ना, तुसी बच्चे नू जनरल आईएलएस करा लो, जीटी आईएलएस। बहुत सारे लोगों को वहम है कि जीटी आईएलएस नहीं चलता, ये डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर आपके 6 ईच बैंड नहीं आ रहे, 2-4-5 बार रिफ्यूजल ले चुके, आपको भी पता है कि एसडीएस में वीजा लग सकता है, तो आप जीटी आईएलएस कर लें, जनरल आईएलएस होता है, इसके बेस पे आप कर सकते हैं। ये कमेंट लिखा है हुजा जी ने कि मेरे बेटे का 2 टाइम रिजेक्शन लग गया। हुजा जी आप नंबर दे दीजिए, अभी आपसे बात करके सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सूफियाना गुज्जर जी लिखते हैं, आई लाइक योर वर्क विनय जी बट नो रिप्लाई। रिप्लाई तो सर समा उतना का होता है, फिर भी आपने सूफियान साहब अच्छा किया, आपने नंबर लिख दिया, तो आपकी शिकायत दर्ज हो गई है। जैसे लाइव ख़त्म होता है आपसे बात होती है अभी, तो बात करके आपका मसला समझते हैं कि कैसे आपको भेजना है, क्या आप जानना चाहते हैं। आपका नंबर मैंने अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दिया है, वो अभी आपसे कॉल मिला के जैसे लाइव ख़त्म होता है मेरे से बात कराएंगे आपकी। अगले हमारे पास भाई साहब जुड़े हैं, अशोक दुबे जी। सर कनाडा जाना है गार्ड के लिए। देखिए स्टूडेंट वीज़ा में हम लोग डील करते हैं, जो आप अगर तो इंडिया में हैं तो इंडिया से स्टूडेंट के लिए आयल्स चाहिए, अगर इंडिया से बाहर हैं तो आयल्स नहीं चाहिए। तो गार्ड की नौकरी के लिए जाना तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको वीज़ा लगवा के दे सकता हूँ, नौकरी आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी वहाँ जाके। धीरज जी लिखते हैं, मैंने इंजीनियरिंग 2022 में करी है, ऑस्ट्रेलिया के कितने टोटल पैसे लगेंगे? धीरज जी पैसे लगेंगे मतलब, अगर तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उसकी फीस 40 से 50 हज़ार डॉलर होगी, किसी कॉलेज में जाओगे तो 20 से 25 हज़ार डॉलर उसकी फीस होगी। बट मसला यही है कि दाखला देने के लिए कोई राजी नहीं है पंजाब हरियाणा वाले बच्चों को, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जिनको बच्चे चाहिए, जो आपको दाखिला देने के लिए तैयार हैं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपको कोई मसला है आप अपना नंबर लिख दीजिए, मैं इस लाइव प्रोग्राम के बाद भी आपसे बात कर सकता हूँ, आप मुझे बताई जाइए आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है। अमनदीप जी लिखते ने 1.5 ने एक्सेप्टेबल ऑस्ट्रेलिया पीटी, अगर तो आपने ऑस्ट्रेलिया में जाना है पीटी कर रही है तो पीटी में 50 नंबर ओवरऑल होने चाहिए, 46 नंबर ईच होने चाहिए, 46
तो अगर आईएलटीएस लगानी है तो 6 बैंड ओवरऑल होने चाहिए, 5.5 बैंड ईच होने चाहिए। दाखिला बैचलर डिग्री में होगा, 2 से 4 दिन में दाखिला हो जाएगा, 5-6 दिन में फाइल जमा हो जाएगी, वीज़ा आ जाएगा, फिर आपसे पैसे ले लेंगे। वीज़े के पहले कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अमनदीप लिख दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा आ रहे हैं सर, और पीटी में 5.5 हैं, एक मॉड्यूल में वैसे जा सकते हैं। अमन जरूर जा सकते हैं, ओवरऑल 50 होने चाहिए पीटी में और ईच 46 होने चाहिए। और भी भाई बहन कुछ आता है बात करनी है, अपना नंबर दे दीजिए, अभी बात कर लेंगे आपसे। अशोक दुबे जी आप अपना नंबर दीजिए, मैं अभी आपसे बात करूंगा। हाँ नंबर आ गया। गार्ड के लिए देखिए, गार्ड आप चाहते हैं तो आपको नौकरी चाहिए होगी, और नौकरी वाला काम हम करते नहीं हैं, हम तो सिर्फ पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। स्टडी वीज़ा लगेगा आपका, तो स्टडी वीज़ा पे अक्सर जो लोग जाते हैं उनको नौकरियां भी मिलती हैं वहाँ जाके, और PR भी हो जाती है। अगर आपको सीधा यहाँ से वर्क वीज़ा पे जाना है तो मेरी तरफ से नमस्ते है, मैं नहीं भेज पाऊँगा। बाकी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है ज़रूर ले लेंगे, अभी फ़ोन करके देखते हैं। ये अगला कमेंट आया है अबू बकर, सर मैं 4 व्हील का काम और 2 व्हीलर का काम करता हूँ, मैं जा सकता हूँ? देखिए हम लोग स्टडी वीज़ा में डील करते हैं, जिसमें एक जन पढ़ने जाता है, दूसरे जन को काम करने का वीज़ा मिलता है। यदि आपकी पत्नी, आप अपनी धर्मपत्नी को आयल्स करा लेते हैं, श्रीमती जी अगर 6 बैंड ले लेंगी तो आपको उसके साथ जो वीज़ा मिलेगा, वर्क वीज़ा मिलेगा, उस पर कोई भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको स्टडी वीज़ा पे जाना है तो आयल्स चाहिए। अब चाहे 2 व्हीलर का काम करते हैं, चाहे 6 व्हीलर का करते हैं, चाहे 8-10 व्हीलर का करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, मसला आयल्स का है। आयल्स में 6 बैंड आप ले लो, बाकी की जिम्मेदारी फिर मेरी है जी, आपको वीजे से नहीं रहने देंगे। आगे केशव दुहान क्या लिखते हैं, सर ऑस्ट्रेलिया की GT क्लियर नहीं हो रही। केशव कहते हैं यूनिवर्सिटी की क्या करना चाहिए सर, प्लीज जवाब दे देना। केशव भैया GT क्लियर मतलब पंजाब हरियाणा वालों की थोड़ी मुश्किल होती है, बाकी देखो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं हुआ बना कि जो जिसका हल ना हो। GT भी बंदे निकालते हैं, तो आप अपना नंबर भेजो, अभी आपसे बात करके बताता हूँ कैसे GT क्लियर होनी है और कहाँ पे आपका काम रुका हुआ है। लो जी अमनदीप जी, जिनको हम बार बार समझा रहे हैं बट वो कह रहे नहीं बात ही करनी है। अमनदीप देखते हैं अब क्या कहते हैं। अमन जी बी रेडी, आपको कॉल आ रही है तो ये कॉल तो मैं ही कर रहा हूँ जी, और कोई नहीं बैठा मेरे पास, ना ही हम कौन बनेगा कमेटी में बैठे हैं। तो अमनदीप सिंह जी को कॉल जा रही है। हेलो, हाँ जी अमन जी सत श्री अकाल, नमस्ते, कितों बोलते तुसी? सर जी पंजाब से बोल रहे हैं, पटियाले के नियर। असी पंजाब से पटियाले के नियर से बोलते हैं, पातला तो बोलते हो समान तो बोलते हो जी? सर समान समान। एक बात करनी थी, मेरे ब्रदर की फाइल लगी हुई है बहुत 100% वीजा आएगा, कोई कमी नहीं है। फाइल जमा होगी आपकी? सर उसकी फाइल कल कह रहे थे लॉन्च करेंगे। हाँ हाँ जैसे जमा कराओगे 15 दिन में वीजा मिल जाएगा उसको। वीजा आ रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया के? वीजा रिफ्यूज ही नहीं हो रहा यार, हर किसी को वीजा दे रहे हैं वो लोग। ओके सर, जिसकी फाइल जमा हो जाती है ना COE आ जाती है, COE का मतलब वीजा ही होता है आजकल। ओके सर। फंड आप किसके दिखा रहे हो? फंड किसके दिखा रहे हो? फंड एजेंट अपने शो कर रहा है। नहीं 15 लाख तो हमने अपने शो किए हैं, बाकी एजेंट करेगा 35 लाख। आप जेंट के चक्कर में मत पड़ना, 15 लाख रुपए अपने शो करो, उसी से वीजा आ जाएगा। 15 लाख सर हमने अपना शो कर रखा है। अपना शो करो, 15 लाख से वीजा आ जाएगा। सर एक वो पूछना था, कैनबरा यूनिवर्सिटी अच्छी है? नहीं अच्छी मतलब वीजा लग जाएगा उसमें, और वहाँ काम को नहीं मिलता किसी को। हाँ सर वीजा आ रहे हैं? वीजा आ जाएगा, वीजा नहीं रिफ्यूज होना, बट वहाँ आपको जाके जॉब नहीं मिलनी, कल को काम नहीं है उस एरिया में। वीजा आ जाएगा, वीजा नहीं रिफ्यूज होता, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। ओके सर,
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। तो डंग सरदा पै जी साढ़े लोगों का, सारना चाहिए। आपके अभी कोई मसला है तो कॉल करिए, अभी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब जरूर दें। आज मिडल ईस्ट से बड़े लोगों के मैसेज आ रहे हैं, दुबई से, सऊदी से। हमने मुहिम शुरू करी है कि जो भी भाई बहन यूएई में रहता है उसको कनाडा भेजेंगे। यूएई से जाओगे आप तो, अगर आपका भी कोई रिश्तेदार भाई बहन यूएई में रहता है, दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, तो उसको बोलो हमें अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर दो या हमारे पोस्ट के ऊपर अपना नंबर लिख दो। वीज़े से पहले कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और बहुत कम पैसों में आप यूएई से कनाडा चले जाएंगे। अगर जो यूएई से जाना चाहते हैं उनको आयल्स भी नहीं चाहिए, बिना आयल्स के आप चले जाओगे वहाँ, बट आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी लिखनी ज़रूर आती होनी चाहिए। केशव दुहाना जी को कॉल करते हैं। केशव जी बी रेडी, आपको कॉल आ रही है, आपकी सुनते हैं, आप क्या चाहते हैं। 27 केशव जी शायद बच्चे को भेजना चाहते हैं आपने। हेलो जी केशव जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? हम पानीपत से बोल रहे हैं, हरियाणा से। पानीपत से, क्या जानना चाहते हैं केशव सर? सर मेरी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में जीपी अभी तक क्लियर नहीं हो गई, क्योंकि एक महीने से ऊपर हो चुका है। कितना पढ़ा हुआ है? आपने खुद अप्लाई किया आपके किसी रिश्तेदार का? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इतना टाइम लगाई जा रही है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी सर, जो सिडनी में है। तो सिडनी जाना, सिडनी में इतने कॉलेज है, किसी कॉलेज में ले लो बैचलर डिग्री, दो दिन में ऑफर आ जाएगी, चार दिन में जीटी क्लियर हो जाएगी। और सर एक और मेरा बड़ा भाई सर, उसने पिछले साल 2022 में ग्रेजुएशन किया है, 57% से बी है, उसका ओवरऑल स्कोर 58 है, उसका तो कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा। मेरा भाई देख, मैं कल होना जलंधर, परसों मैं होऊंगा चंडीगढ़, तू परसों दोनों भाई आ जाओ, मैं दो दिन में तुम्हारी एडमिशन करा दूंगा। यार देख, पता क्या होता है, एजेंट का काम होता है फाइल जमा कराना। अगर हम हायर एजुकेशन में फाइल जमा कराते हैं तो 80% लोगों के वीजा आ जाते हैं। हाँ तो तुम दोनों जने परसों मेरे पास चंडीगढ़ ऑफिस आ जाओ, मैं दो दिन में तुम्हें एडमिशन करा के तुम्हारी जीटी क्लियर करा दूंगा। आ जाओ परसों चंडीगढ़ आ जाओ दोनों भाई, अपने कागज सारे साथ ले आना। एक यूनिवर्सिटी को अक्सर डर होता है कि जिस बच्चे को मैं ले रही हूँ कल को बच्चा भाग ना जाए आके, कहीं ना कहीं जो लायबिलिटी होती है यूनिवर्सिटी की होती है, और यूनिवर्सिटियों का जो कारोबार है, अगर आप वहाँ जाके कॉलेज चेंज कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ख़राब होता है, उनकी दुकानदारी भी ख़राब होती है। इसलिए यूनिवर्सिटियाँ, जो लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में रहते हैं, उनकी जीटी क्लियर नहीं कर रही आजकल। बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चे चेंज नहीं करते जाके, और उन कॉलेजों को पंजाब, हरियाणा, गुजरात से एडमिशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। जीटी मतलब मैं आपकी जीटी दो दिन में क्लियर करा दूंगा। अगर आप फंसे हुए हैं पिछले 6 महीने साल से, तो कल का दिन मैं सारा दिन जलंधर हूँ, परसों मैं चंडीगढ़ ब्रांच में हूँगा, आप अपने सारे कागज लेके आ जाओ, दो तीन दिन में आपका काम हो सकता है। जीटी जूटी क्लियर करना कोई बड़ा मसला नहीं है, डिपेंड है कि आप कितनी ईमानदारी दिखाते हो। नकली कागज दोगे तो कोई जीटी क्लियर करा ही नहीं पाएगा। आपने असली प्लस टू करी है चाहे बैचलर करी है, आपके मम्मी पापा जो भी काम करते हैं, आप मुझे कागज दो अपने सारे, हमें पता है जीटी कैसे क्लियर होनी है, हम इस तरीके से आपकी फाइल रेडी करेंगे कि जो जीटी वाला ऑफिसर हो उसको कोई दिक्कत हो ही ना, और दो दिन के अंदर आपकी जीटी क्लियर होगी। रितु जी लिख रहे हैं कि मेरे 55 स्कोर हैं, अभी बैचलर के एग्ज़ाम दिए हैं, बीबीए और एचएम ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हो सकता है। रितु जी ज़रूर हो सकता है, आप अपना नंबर छोड़िए यहाँ पे, आपको मैं प्रोग्राम के बाद कॉल करूँगा, जहाँ मेरी टीम मेंबर आपसे को बात करके आपकी सारी की सारी क्वेरी घर बैठे सॉल्व करेगी।
जब आपको सारी चीज़ें समझ लग जाएंगी, आपको अप्लाई करना हुआ, फिर आप हमारे दफ्तर आ जाना। आप सब लोग, जितने लोग भी इस टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बहुत ऋणी हूँ आपका। और आपको विनती है कि हम लोगों ने एक ऑनलाइन सर्विस शुरू करी है, जो लोग हमारे पास नहीं पहुँच सकते, आप यहाँ पे हम अपना नंबर छोड़ दीजिए, हमारा टीम मेंबर आपसे सुबह बात कर लेगा, बात करके आपकी सारा मसला आपको घर बैठे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो तीन साधारण सी चीज़ें हैं, 15-20 लाख रुपया लग जाता है अगर आपको कनाडा पढ़ने के लिए जाना है तो। अगर तो आपके पास इतने के पैसे हैं और 6 बैंड है आज के, तो आराम से चले जाओगे। आपके पास पैसों का मसला है, 6 बैंड ईच ले लो। मैं $1500 की स्कीम चलाई हुई है कि जो गरीब भाई बहन है उनके बच्चे कम पैसों पे भेज देंगे। आपके बैंड नहीं आ रहे, 6 ईच बैंड नहीं है, आपके नंबर कम हैं, आपके 1 में 5.5 है, 2 में 5.5 हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं, पैसे सारे वीज़े के बाद लिए जाएंगे। आप अपना नंबर छोड़ दो, हमारी टीम मेंबर आपसे बात कर लेगी, अगर ज़रूरत पड़ी मेरी बात करा देंगे आपसे। बाकी आपको कल मिलना है, कल सारा दिन मैं जलंधर ऑफिस हूँ, परसों का सारा दिन चंडीगढ़ होऊंगा, आ जाना, अपने कागज भेज देना। और ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आपको कोशिश करेंगे घर बैठे सर्विस दें, काफ़ी लोगों को दे रहे हैं। तो जो भी भाई बहन जाना चाहते हैं, अपने नंबर छोड़ दीजिए, आपको सारी की सारी जानकारी देंगे कैसे आप जा सकते हैं। और विनती है कि हम स्टडी वीज़ा का काम करते हैं भाई, आप बिना वजह हमें वर्क परमिट पूछते हो, हम लोग वर्क परमिट का वो काम ही नहीं करते जी। तो अगर तो स्टडी वीज़ा लेना है तो जी सदके है भाजी, आओ सानू मौका दो काम करन दा। तो जे वर्क वीज़ा तो भाजी वो तो फ्रॉड ही होंगे, असं उन्होंने चक्करों में पैदे नहीं। सो जिसको समझ लगती है वो भाई बहन जरूर हमारे साथ रबता करे। और जो लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं वो अपने नंबर छोड़ दें। जब आप इंडिया में रहते हैं तो आपके ऊपर SDS कानून लागू होता है, आपको 6 बैंड ईच चाहिए। आप इंडिया से बाहर चले गए, आप UK का वीज़ा लेके UK चले गए, आप ऑस्ट्रेलिया हैं, आप न्यूजीलैंड हैं, आप यूरोप की किसी कंट्री में हैं, सिंगापुर, साइप्रस, दुबई, शारजा, कहीं पे भी हैं, अगर आप वहाँ से स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको IELTS नहीं चाहिए। जो SDS का कानून है वो इंडिया पे लागू होता है, इंडिया के बाहर लागू नहीं होता। तो जो लोग बाहर रहते हैं, जहाँ आपने कोई भाई बहन आपका गया है इंग्लैंड में, कोई गलत होप लो के चला गया, पक्का हो जाएगा, अब उसको लग रहा है कि नहीं मैं जा सकता, तो मैं 2-4-5 लाख में भेज दूंगा, ये नहीं कि आपका भी 20 लाख रुपये लगेगा। मैं आपकी समस्या सॉल्व करूंगा, मैं आपके लिए कोई नई समस्या खड़ी नहीं करूंगा। कॉल करिए, नंबर दीजिए अपना, आज ऑफिस बंद है हमारा, संडे था, आप सुबह हमारे हेल्पलाइन वाले नंबर पे कॉल कर लेना, आपके साथ हमारी टीम अपॉइंटमेंट बना देगी। जो लोग मिलना चाहते हैं, कल आप जलंधर आ सकते हो, परसों आप मुझे चंडीगढ़ मिल सकते हो, और जैसे ही टाइम मिलता है आप लाइव को, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप देखते रहिए। मेरी कोशिश है, अब मैंने ये नया स्टैंड लिया है तो इसके माध्यम से लाइव हुआ करेंगे, आपसे बताएंगे आपको क्या क्या कैसे कैसे होता है काम। तो सारा दिन कोशिश है मेरी कि मैं आपके साथ वेरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव रहूं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी माध्यम हो, जानकारी देने की कोशिश करेंगे आपको हर रोज़। तो आपके साथ हर टाइम लाइव रहेंगे, बताएंगे आपको कि क्या मसला रहता है, कैसे ठीक होती हैं चीज़ें। पैसे आपसे वीज़े के बाद लिए जाएंगे, वीज़े के पहले आपने पैसे नहीं देने कोई भी। तो जो भी लोग हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, कितना भी फंसा हुआ केस है आपका, मैं स्टडी वीज़ा में डील करता हूँ। देखो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपना भी समय ज़ाया करते हैं और हमारा भी टाइम ख़राब करते हैं कि ये कह के जी वर्क वीज़ा लगवा दो, वर्क वीज़ा लगवा दो। मैं नहीं करता जी वर्क वीज़ा का काम, मैं स्टडी वीज़ा भेजता हूँ। अगर तो भारत में हैं तो IELTS के 6 बैंड ईच चाहिए, अगर भारत के बाहर हैं तो IELTS नहीं चाहिए। 6 बैंड ईच नहीं है तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। मसला बाहर जाने का है, ज़िंदगी बनाने का है, एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है, तो उसके लिए आपको सिटी ब्यूटीफुल आना पड़ेगा। सिटी ब्यूटीफुल मतलब आपको चंडीगढ़ आना पड़ेगा, चंडीगढ़ बाय रोड भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, या जहाज़ भी चलते हैं, हमारा ऑफिस एयरपोर्ट के पास है,
जहाँ आके आप सारा कुछ समझ सकते हैं। कल मिलते हैं जलंधर में, परसों मिलेंगे चंडीगढ़ में। तो आइए जलंधर, आपको चाय पिलाएंगे, समोसे खिलाएंगे और आपकी बात सुनेंगे, और आपको कनाडा जाने वाला जहाज कहाँ से जाता है, कैसे जाता है, उसकी सारी जानकारी देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।